लीला हैं, लीला ठक्कर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। लीला नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास टाटा मोटर 970 का 100 है और मैजडा 100 है 100, ओके दोनों बाइक क्या हुआ है तो क्या करूँ उसमें, रहूँ मैसगांव एवरेज डॉक करूँ या निकल 100 है, जाऊँ? मैसगांव डॉक में क्या बाइंग है आपकी? 4880 4800 ओके 4800 मैसगांव डॉक में है इनकी बाइंग और टाटा मोटर्स में 970। क्या सजेशन दोनों ही स्टॉक्स में? मैसगांव डॉक में तो नुकसान है 450 रुपये का, टाटा मोटर्स भी थोड़ा नीचे है भाव से। जी, करीब 10% की गिरावट देखने में मिल रही है इन्हें अपने इनके भाव से, लेकिन ओवरऑल हमें लग रहा है कि मजगांव डॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा काफी बना हुआ है। जरूर ये स्टॉक ऑफ लेट प्रेशर में रहा है, बट जो भी गिरावट है वो 20 डेमा के आसपास में आके थमती हुई देखने मिली है इसमें, तो हमें लग रहा है इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है और वापस इनके जो भाव है 4800 का वो इन्हें जल्दी देखने मिल सकता है, क्योंकि हार्डली 10% ही नीचे इनके भाव से। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, जो स्टॉपलॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4100 का एक एसएल मेंटेन करें। टाटा मोटर्स की जहां तक मैं बात करूँ दीपाली जी, इसमें चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी खराब हुआ है, स्टॉक 200 डेमा और 20 डेमा के भी नीचे स्लिप हो चुका है, बट हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करें इस पोजिशन को, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम इसमें हम एंटिसिपेट कर रहे हैं दिवाली तक, तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करें। 9890 का स्टॉप